कि बार बार क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि आपको समझ में एकदम रट जाए। सेक्शन बी राइटिंग, राइटिंग वर्क करना है। रीड द पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट, ये सब लिखा रहेगा। सुटेबल टाइटल, सुटेबल टाइटल, फालतू के टाइटल की नहीं बात करना है, सुटेबल टाइटल की बात करना है। अच्छा टाइटल, द हार्डेस्ट वन ऑफ द मोस्ट है, मोट लगती है, गलत हो गया। मोस्ट वाइटल, वाइटल मतलब ब्रॉड कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन है? हार्ट, जो पंप करता है, आपको मालूम है ऑक्सीजन वगैरह, जहां विज्ञान के द हार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैज द कंटिन्यूअस जॉब, कंटिन्यूअस जॉब है, विज्ञान पढ़ा रहा है कि उसका काम क्या है, लगभग कीप ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन को पहुंचाना कहां पे, रिच ब्लड फ्लोइंग ब्लड के थ्रू थ्रू द बॉडी में, ऐसे होता है कि विज्ञान में। अच्छा, ऑल द बॉडी सेल्स, सेल्स आपने पढ़ा होगा, ऐसा कोशिका नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ये सेल्स करते हैं सप्लाई। अच्छा, बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनको आवश्यक होता है ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, पर्टिकुलरली इन द ब्रेन, सबसे ज्यादा किसको आवश्यक होती है? ब्रेन। इसलिए हम योग जो करते हैं, प्राणायाम, इसलिए ब्रेन को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए प्राणायाम करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आगे बढ़ेंगे, द ब्रेन सेल्स, जो सेल्स होते हैं ब्रेन में, लिव ओनली 4 to 5 minutes आफ्टर द ऑक्सीजन इज कट ऑफ, डेथ कम्स टू द एंटायर बॉडी। यदि आप जानते हो थोड़ी देर के लिए सांस रोक लिया तो हम मर जाते हैं, इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती। हार्ट डिजीज, जो हार्ट की बीमारी है, कैन रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू द हार्ट मसल्स, डैमेज करती है अगर हार्ट, क्या मसल परेशान करती है, मसल हमारे ठीक नहीं होंगे, मसल मतलब बॉडी वगैरह, द वैल्यू ऑफ द पेस मेकर, जो शरीर में पेस होते हैं, है ना, नहीं होते, जैसे कि आपका पेट भी होता है, कभी कभी जो आप थोड़ा पेट हो जाते हो तो उसमें कुछ ही नहीं होती है ना, जब आपकी बॉडी अच्छी होती है तो बढ़िया होगा, नहीं हंसी मजाक वाली बात है कि ठीक है, आप तंदुरुस्त कब रहते हो, जब आपकी बॉडी में जैसे मसल्स क्या होता है, टाइट मसल किसी के होते हैं, किसी को पकड़ के देखो तो हार्ट डिजीज कैन रिजल्ट फ्रॉम द डैमेज टू द हार्ट मसल, द वैल्यू ऑफ द पेस मेकर, एक द मसल्स एंड डैमेज, हेलो मसल से भी आपकी डैमेज हो जाती है, द हार्ट इज अनेबल टू पंप प्रॉपरली, ध्यान दो, इसलिए कहते हैं मोटापापन जो थोड़ा शरीर हो जाता है, उन्हीं को ज्यादातर हार्ट की बीमारियां होती है, क्यों, क्योंकि ब्लड दब जाता है बेचारा, और ब्लड पंपिंग, ब्लड ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता, प्रॉपर पंपिंग नहीं हो पाती, इसलिए मोटापा आपके लिए खतरनाक होता है, ज्यादा मोट नहीं होता। इफ वैल्यू आर डैमेज, ब्लड कैन नॉट फ्लो नॉर्मली, अब ऐसा हो जाता है तो अगर आपकी मसल्स खराब हो जाती है तो ब्लड जो है अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचा नहीं पाएगा, फिर क्या होगा, डॉक्टर जॉन केलेगा गिवन ऑफ यूएसए, ये डॉक्टर है, डेवलपमेंट ऑफ मशीन इन 1953 दैट कुड टेक ओवर टेम्पररी फ्रॉम द हार्ट, यूएसए के डॉक्टर है जो कि डेवलप करते हैं मशीन को 1953 में, इनने जो टेक ओवर करती थी टेम्पररी फ्रॉम द हार्ट को देखभाल करती थी, सर्जन हैड, सर्जन मतलब जो सर्जरी करते हैं, हैड द चांस टू रिपेयर फॉर रिप्लेस ऑफ इफेक्टिव हार्ट, सर्जन ही हमारी हार्ट को यदि रिप्लेस करना है तो सर्जन करेगा, कोई और नहीं करेगा, डेंटल वाला डॉक्टर नहीं करेगा। yes. many patients, जो बीमार लोग होते हैं, कई क्या बोलते हैं पेशेंट हिंदी में, मरीज, बहुत बढ़िया, हैव हैड प्लास्टिक वैल्यू, प्लास्टिक जो है सर्जन सर्जरी की जाती है, और प्लास्टिक सर्जरी विज्ञान में आता भी है, इंसर्टेड इन देयर हार्ट व्हाइल देयर हार्ट वर फॉल्टी, मेनी पीपल्स आर नाउ बीइंग केप्ट अलाइव विद टीनी बैटली ऑपरेटेड पेसमेकर, और मिला के ये मुझे समझाना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पैसे नहीं भी आती है समझ में तब भी आप कैसे टाइटल निकालेंगे, ज्यादातर 80% लोग ही होंगे जिनको पैसे समझ में नहीं आएंगे, पर टाइटल चाहिए, इसलिए मैंने उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया, समझा देखा आपको, देखिए बड़ा बड़ा समझा। अब क्या करें, आपने देखा होगा कि पूरी पैसेज में हमने पढ़ा है केवल और केवल एक शब्द के बारे में, अब बताओ समझ में आ गया? yes, हाँ, क्या कहीं आपको बार बार द ह्यूमन हार्ट भी मिला है क्या? अगर आप चाहें तो ह्यूमन जोड़ सकते हैं, पर नहीं चाहें तो केवल और केवल जो पहला पॉइंट लिखा था हार्ट, इसलिए करेक्ट टाइटल इज हार्ट। यदि आप चाहें हार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, पर वो ऐसा कहीं लिखा नहीं, पूरा ह्यूमन बॉडी में लिखा हुआ है, इसलिए जो है आपने बताया है कि द हार्ट मिल रहा है, द HART, तो करेक्ट आंसर इज टाइटल द हार्ट, ऐसे टाइटल पता लगाते हैं, ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया आपने हो गया टाइटल, है ना,
तीन से चार बार पैसेज को पढ़ोगे भले ही उसका अर्थ ना आए, मैंने भी उसका अर्थ प्रॉपर नहीं निकाला, फिर आप समझ गए कि द हार्ट, क्योंकि हार्ट के बारे में बात कर रहा ना वो। अब देखिए हमने टाइटल ढूंढ लिया, मतलब सबसे बड़ी जीत जंग जीत ली हमने, एक नंबर शुरुआत है भाई। अगर आपने टाइटल अच्छा नहीं लिखा तो जो चेक करने वाला है क्या क्या है, टाइटल नहीं बना इसे आगे क्या लिखेगा, यही से इंप्रेशन खराब हो जाता है, समझे ना। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, किसी ने कभी कहा था याद रखिए, फर्स्ट इंप्रेशन। इसलिए टाइटल में जी जान लगा दीजिएगा, चार बार भी पढ़ना पड़े पढ़ लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि तो एक बार डाउट कीजिए, अरे हो सकता कुछ और ना हो, एक बार और पढ़िए और ध्यान दीजिए। ये हो गया, अब बताइए टाइटल के नीचे क्या लिखते हैं, हेडिंग। पहली लाइन में इसने हार्ट मोस्ट वाइटल कंपोनेंट की बात की गई ह्यूमन बॉडी की, आप चाहे तो कंपोनेंट, लेकिन उसमें केवल हार्ट की बात की गई और कंपोनेंट की बात की नहीं गई, द हार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी ये भी लिख सकते हो, कंटिन्यूस जॉब जॉब की बात की गई है, टू कीप ऑक्सीजन रिच ब्लड, मुझे लगता है यहाँ पे एक पॉइंट मुझे मिल गया, जॉब की बात की गई और किसकी जॉब की, हार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब मैं एक भी समझा देता हूँ, तीन पॉइंट आप फटाक से बता दीजिए तो मैं लिखता जाऊंगा, मिला जॉब मिला ना, आप हेडिंग क्या बनाएंगे, द हार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और उसमें एक पॉइंट दूसरे पॉइंट में रिच ब्लड फ्लोइंग थ्रू द बॉडी हो गया। सेकेंड लाइन ढूंढ ले, ऑल द बॉडी सेल्स नीड अ कंस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन पर्टिकुलरली इन द ब्रेन, अब बताओ इसमें क्या है कुछ, आप ऐसा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ऑल द बॉडी सेल्स, यहां से लिख लेंगे नीडा, ओहो कंस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, देखिए मिल गया ना, दूसरा पर्टिकुलरली इन द ब्रेन, दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट। लेकिन हेलो अभी हमने क्या नीचे जो लिखते हैं कहीं दिमाग नहीं लगाया, अपन चाहे तो ऑक्सीजन का बना लेंगे OX और एक और बना ले नीडा कॉन्स्टेंट का बना ले CNS चलेगा, और इसका यहां से लिखेंगे कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट का बना ले पर्टिकुलरली का बना ले, दो पॉइंट तैयार, तीसरा पॉइंट और बचा मरा घुचा हार्ट बना लेंगे डिजीज का रिजल्ट ऑफ द डैमेज, अब आप लोग बता दीजिएगा तीसरा पॉइंट साइड डेवलपमेंट, हाँ जी डेवलपमेंट, कोई बात नहीं डेवलपमेंट कहां से आया कौन सी लाइन में, डॉक्टर जीवन तो डॉक्टर के बारे में लिख देंगे, डॉक्टर ने डेवलपमेंट किया, किस चीज का डेवलपमेंट किया, अब मशीन 1953 बस हो गया, और आगे लिखना चाहे तो टेक ओवर टेम्पोरली फ्रॉम द हार्ट, अरे आप कहीं से भी एक पॉइंट छाड़ लो बस खत्म। तो भाई इस बार हमको बार बार आना नहीं पड़ेगा, आप लोग मदद करेंगे और हम नीचे लिखेंगे, याद है ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में खास क्या है, 1.1 क्या है, 1.2 क्या है, ज्यादा फॉलो नहीं लिख पाएंगे, तो कंटिन्यूअस का शॉर्ट फॉर्म लेते हैं कंटिन्यूअस ऑक्सीजन खत्म, दो एब्रिविएशन भी बन गए। सेकंड पॉइंट पीछे आप लोग भी मदद करो, आगे वाले पॉइंट में आपको कोई भर जाएगा, हाँ बता दो रिच ब्लड खत्म, बहुत बढ़िया शानदार बहुत अच्छे। दूसरा पॉइंट बताएं डेवलपमेंट में पहुंच गए, एक पॉइंट और था ऑल बॉडी सेल्स, ऑल बॉडीज सेल्स, एक था 2.1 2.2 नीड, चलो नीड नीड ऑफ इसका परफॉर्म वाले और सेंट इसका नहीं वाले सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो पहले वाला खत्म, देखो कितना आसान है।
ब्रेन ब्रेन मजा आ रहा है ठीक है ना पीछे कैमरा बोल नहीं रहा तो मैं कैसे समझू चलिए थर्ड बताइए कोई और बोलना चाह रहा हूँ बोल सकते स्वागत है आपका डेवलपमेंट ठीक है डीईबीई इसको तो पूरा लग जाएगा बोल रही डीईबीई एलओपी एमईएन बहुत बढ़िया याद हो गया 3.1 बताइए क्या लिखना 3.2 बताइए आज आप लोग मास्टर है मैं केवल लिखना हो बस आप बोलिए जल्दी बोलिए डॉक्टर का नाम बोल दीजिए डॉक्टर मैन ने डेवलपमेंट किया ना किस चीज का कौन डॉक्टर है डॉक्टर जॉन जे एच ओ जॉन क्या लिखा है कौन सी एक बोल दीजिए जी आई डबल बी आई नहीं ओ एन बस हो गया ना ये डॉक्टर साहब हो गए यूएसए के दूसरे पॉइंट पे क्या बोलने किया मशीन मशीन की स्पेलिंग एम एस सी एच आई यानी मशीन एन 1950 अरे तो नहीं तो बहुत है भाई ये बन गया आपका क्या नोट मेकिंग अब कुछ और बचा क्या बचा ज्यादा आप क्लोज नहीं कीजिए ना यहाँ नीचे मुझे दुख है कि मैं कर पा रहा हूँ क्योंकि नीचे फिर जगह नहीं बचे पा रही है तो मैंने थोड़ा कर दिया आपने दिमाग लगा हाँ तो एप्लीकेशन यहाँ लिखते हैं स्पेलिंग भूल रही है ए डबल बी आर ई बहुत बढ़िया शानदार याद हो गया आपका चलिए पहला पॉइंट क्या आपने सबसे पहले बनाया कंटिन्यूअस हेलो कंट आपने लिखा था और इसके लिए लिखा था दिख रहा था क्लियर सेकेंड पॉइंट आपने क्या लिखा था ऑक्सीजन के लिए क्या लिखा था एक्स वाई और इसके लिए एक्स वाई जी ई एन ऑक्सीजन चलिए थर्ड नंबर किसके लिए लिखा था और कोई बनाया सप्लाई भी हमने बनाया था सप्लाई किसका था हाँ वो भी बनाया चलिए आप लोग लिख लेंगे तो क्या बनाया था सप्लाई का एस यू पी डबल पी एल वाई सप्लाई अब और भी है दो लिख देते हैं इसको और छोटा करेंगे ये लीजिए चौथा पॉइंट दिखा देंगे भाई साहब चौथा क्या हमने लिखा था पर्टिकुलर डिटेल का लिखा था पीआरटी फॉर पी ए आर टी आई सी यू एल ए आर एल वाई ये लिखा है चलिए पांचवा भी कोई एक था कॉन्स्टेंट का हमने रिसर्च बनाया था लिखा है क्या मैंने कॉन्स्टेंट हाँ क्या लिखा था हमने कॉन्स्टेंट का सी वन एस टी फॉर सी ओ एन एस टी ए एन टी आर का कुछ दिया बॉक्स दिया चलो बच्चे ने कर देंगे सर आपने ही लिखा था है ना और कोई है क्या हो गया इसका भी बना सकते हो डेवलपमेंट का डी भी लेकिन ज्यादातर हेडिंग में मत बनाइए इसके अंदर बनाइए समझ में आ गई है फिर से वही एक बार दोहराना चाहूंगा एक नंबर टाइटल का प्रॉपर टाइटल टाइटल अच्छा होना चाहिए चाहे बना लो चाहे ना बना लो इसका कोई महत्व नहीं पर टाइटल अच्छा होना चाहिए एक नंबर का टाइटल एक नंबर ये सभी का हेडिंग 1, 2, 3 का एब्रीवेशन का एक नंबर और ये अगर आपने ये सब बनाया है बॉक्स ऑफ प्रॉपर तो उसका एक नंबर वो देगा समझ में आ गया भाई तीन पैसे अभी तक आप सॉल्व कर चुके हो तीन मतलब नोट मेकिंग बना चुके हो अब चौथी पांचवी छठवीं जितनी भी है हम भेजेंगे तो आप बना के मुझे दिखाइएगा और मैं चेक करूंगा ठीक है और बाकी सुविधा के लिए मैं बच्चों की वीडियो बना के भेज दूंगा जो मूर्खानंद महाराज आज नहीं आए ठीक है समझ में आएगा तो ठीक है मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं जो नहीं सुनेगा तो फिर क्या कर सकते हैं ठीक है आप सभी आए और यदि आपको समझ में आ गया है तो मेरी मेहनत और आपकी मेहनत दोनों की बढ़िया थैंक यू।